राव साहब नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। हाँ टाटा स्टील 500 लिया 1340 में 500 शेयर आपके पास हैं 1340 रुपए के भाव पर। और विप्रो 8000 विप्रो 8000 शेयर आपके पास हैं, 680 में। क्या राय होगी दोनों काउंटर पर रोहित? अभिषेक जी देखिए, अगर मैं पहले टाटा स्टील की बात करूं तो काफी इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिखे हैं हम लोग को। 1080 1070 काफी अच्छा सपोर्ट था, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो इमीडिएट बेसिस थोड़ा स्ट्रक्चर वीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको थोड़ा और डिप देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 920 930, जो कि काफी अच्छे सपोर्ट है ऑन द डाउन साइड। तो टाटा स्टील के अंदर एज ऑफ नाउ थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर वापस ये स्टॉक 1100 के ऊपर निकलता है तो इनको एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। वापस से हम लोग इनके लेवल्स की बात करेंगे, बट जब तक 1100 के नीचे या 1070 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा वीक रहेगा, तो यहाँ पर वॉचफुल रहना पड़ेगा 1070 लेवल्स को लेके। सेकेंड जो स्टॉक है इनका विप्रो, अगर मैं विप्रो की बात करूँ तो आईटी पैक के अंदर हम लोग ने काफी हेल्दी करेक्शन देखा है, बट कहीं ना कहीं अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो काफी अच्छे बेस है, 420 410 के करीब करीब काफी अच्छा बेस विप्रो के अंदर बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पर इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए 410 का, और होल्ड करने की सलाह रहेगी विप्रो के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको टाटा स्टील और विप्रो पे सुझाए गए हैं, इस पे आप ज़रूर नज़र रखिए। आना चाहेंगे इन्फो एच भी इन्होंने ले रखा है, करीब 6700 की इनकी खरीद है। मौजूदा स्तर से देखें तो इनका जो निवेश है वो आधा हो चला है फिलहाल। 24 शेयर्स ये होल्ड करते हैं, इस काउंटर में आप इन्हें क्या सजेशन देंगे? क्या यहाँ पे भी निकल जाना बेहतर रहेगा या फिर कुछ एवरेज आउट भी कर सकते हैं? मैं यही सजेस्ट करता हूँ वर्मा साहब, जब ट्रेन जो है आप जिस ट्रेन पे बैठे हैं वो अगर आपके टारगेट तक नहीं पहुंचती है, दूसरी ट्रेन जाती, तो सवारी बदल लेनी चाहिए। कुछ हालात ऐसे ही हैं अभी मार्केट में, अगर जो चलता है आप उसको लीजिए। इस समय स्टॉक्स में ओवरऑल आईटी सेक्टर में आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप आईटी सेक्टर में ही रहना चाहते हैं तो मैं आपको दो राय दूंगा, आप अपना पोर्टफोलियो या तो स्विच कर लीजिए इंफोसिस की तरफ या फिर स्विच कर लीजिए आप विप्रो की तरफ, क्योंकि उनमें भी बड़ा करेक्शन देखने को मिल चुका है। और अगर इस काउंटर पे भी नहीं जाना और आपको बैंक में भी नहीं जाना, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है गैस की तरफ आप जा सकते हैं। चाहे तो आप आईजीएल में आप स्विच कर सकते हैं या फिर गुजरात गैस लिमिटेड, इन दो स्टॉक्स में आप अपनी पोजिशन को स्विच कर लीजिए, क्योंकि ये नहीं है कि कंपनी यहाँ पर वीक है, लेकिन अभी मोमेंटम और आगे की ग्रोथ का जो टारगेट है वो आगे आने वाले 8 महीने तक इन्फो एज या आईटी सेक्टर के लिए काफी निगेटिव है। तो आप उस निगेटिविटी से बाहर निकलिए और पॉजिटिव सेक्टर या पॉजिटिव स्टॉक्स की तरफ आप जाएं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, रवि की तरफ से आपके लिए ये राय, लेकिन